वेलकम टेक्सचर आर्टवर्क। टेक्सचर आर्टवर्क में आज एक नया डिज़ाइन करेंगे। उस डिज़ाइन स्टोन फिश है, जो महंगा महंगा स्टोन फिश होता है उसी की बराबरी में इस ये देखो ये क्या है, ये बच्चों की टिफिन बॉक्स है। इसी से हम एक स्टोन फिनिशिंग करेंगे। वहाँ के वो डिज़ाइन हमने सैंपल भी किया था, करने के बाद आपको दिखा रहे हैं। देखो ये स्टोन फिनिश है, आपको कैसा लग रहा है? ये डिज़ाइन की आज हम बनाएंगे। इसी से हम आज डिजाइन करेंगे। ऐसे बर्तन से ब्रशिंग करने से आपको ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, मटेरियल ज़्यादा नहीं छोड़ने का, एकदम पतला रखने का। मीडियम चाहिए तो आपको ऐसे ढक्कन से प्रेसिंग करने से, टिफिन से आपको ये कच्चा खासा डिजाइन आ जाता है। तो हम उसको और एक बार ऐसा प्रेसिंग करके छोड़ देते हैं, जो मैंगलोर में एक पत्थर मिल रहा है काला, उसी को हमने कॉपी किया है। आज इसको कटिंग भी कैसे करेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा। इसी से प्रेसिंग करने से आपको देखो कितना बारीकी सी आ गया। इसको फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम इसको फ्लैट नहीं कर रहे हैं। इसको इसी में से थोड़ा सूखने के बाद ऐसा स्लोली प्रेस करने से फिर वो बैठ जाता है, ऊपर नहीं उठता है। और ये अच्छा सूखने के बाद उसे इस डिज़ाइन को आप क्लोथ पेपर बोलते हैं ना, वो लकड़ी सब घसते हैं पॉलिश वाले, ऐसा पेपर में इसको अच्छा खासा घस के इसकी जो ऊपर जो प्रोजेक्शन जैसा है ना उसे फ्लैट करना चाहिए। इसी से ये डिज़ाइन बनता है, इसको ब्लेड में फ्लैट करने का ज़रूरत नहीं है। ये आज की पैटर्न। और इसको आपको कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, इसको थोड़ा आपको चाहिए तो थोड़ा बड़ा मुंह वाला स्क्रूड्राइवर भी ले सकते हैं और छोटा वाला भी आप ले सकते हैं। अब इसको हम अभी इसको मैंने मार्क करके रखा था 5 इंच में, तो इसको ऐसे दीवार पर कटिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ कटिंग कर लो, अच्छा सूखना चाहिए, सूखने के बाद कटिंग करो।
एकदम ड्राई नहीं, एकदम ड्राई हुआ तो इसके ऊपर स्कूटर भी नहीं बढ़ता है। आधा सूखने के बाद आपको कोई एल्यूमिनियम का होता है वो भी रखने को होना चाहिए, ऐसे टाइम में उसको कटिंग कर लो। आप एक जैसा ब्रिक की जैसा कटिंग भी कर सकते हो, बड़ा बड़ा छोटा ऐसा सब कटिंग कर लो। कुछ साइज नहीं होता है, आपको कौन सा साइज चाहिए उस साइज में आप इसको कटिंग कर लो। इसी से अभी मैंने इसको कटिंग किया, देखो ऐसा छोटा बड़ा कटिंग भी किया, और आपको ये सूख जाएगा तो फिर थोड़ा ऐसा दबाते आओ, अच्छा सूखने के बाद फिर एक बार ऊपर से दबा लो इसको। जो हम टेक्सचर में फ्लैट करते हैं ना, ऐसा नहीं करने का है, इसको ऐसा ही इसी से ही फ्लैट कर लो, इसी में ही फ्लैट हुआ था ये डिज़ाइन। यही है आज की नया पैटर्न स्टोन फिनिश। आज हम एक डिज़ाइन के लिए कलर कर रहे हैं, ये स्टोन डिज़ाइन है, ब्लैक स्टोन होता है, इसके लिए हम ऐसा कलर किया जैसे ग्रे, डार्क ग्रे जैसा। डार्क ग्रे को हमने वाइट एपेक्स के ऊपर दुकान से नहीं लाया, हमारे पास वाइट एपेक्स था, उसको हमने थोड़ा ब्लैक स्टेनर मिलाया। स्टेनर की मतलब मशीन स्टेनर होता है ना, जो पेंट की दुकान में रहता है उसी को मिलाया। वो बोतल में आता है वो स्टेनर नहीं, वो स्टेनर उतना अच्छा नहीं आता है, आपको दिख रहा होगा कितना काला है, एकदम तो बहुत काला हो गया, कितना काला चाहिए। टेक्सचर को पेंट मारने से पहले हमने बताया था आपको, फिर भी याद कर रहे हैं, ऐसा रोल पेपर मिलता है, इसी से अच्छा घसाई कर लो और क्लीन करके उसके ऊपर पेंटिंग करो। अभी इसको ग्रे रंग मार के फिनिश हो गया। ये ग्रे रंग मेरे हिसाब से शैडो डांस जैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ग्रे। आगे देखिए, अभी जो मैंने इसको मार के लाइट ग्रे मारा था ना, उसको थोड़ा और देखो ब्लैक एमेशन लेके उसे कुछ और डार्क कर लेंगे। डार्क करके जो इसके ऊपर ऐसा फुल एम्प्टी कर लेने का, ब्रश में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा थोड़ा ऊपर से डबल शेडिंग दे देते हैं। और उसी काले को इसके अंदर खींच लो, जो ग्रू है ना इस ग्रू में उसी को ले लो। अभी हम इसको ऐसा थोड़ा ऊपर से हल्का सा ऊपर से ऐसा कर लेते हैं, सारे दीवार पर ऐसा ही कर लो। थोड़ा टाइम जाता है लेकिन आखिर में वो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है, जो देखने वाले को ऐसा लगता है इसे ऐसा कलर किया कुछ पता ही नहीं लगता है। हम जो काम करते हैं ना वैसे ही होना चाहिए।
देखने में डबल शेड दिख रहा है ना, एक लाइट ग्रे और एक डार्क ग्रे। अभी ये दोनों कलर सूख गए हैं, इसके बाद इस स्पॉन्ज को हमने ऐसा करना चाहिए वरना तो सीधा लग जाते हैं, एक तरह पाउडर पाउडर जैसा नहीं मिलता है। हमें कुछ ऐसा ऐसा घुमा के दबाने का नहीं, हल्का सा प्रेसिंग करने का है। ऐसे ही सारे डिजाइन पर प्रेसिंग करते जाओ। अभी हमारा डिजाइन ऐसा दिखने लगा, कैसा दिख रहा है नजदीक से ऐसा दिख रहा है। अभी हम मैंने बोला तो ऐसा स्पॉन्ज को ऐसा कट करके निकालो, लेकिन ऐसा कर लो। भी जो व्हाइट ज्यादा दिख रहा है ना, उसके लिए हमने जो सेकेंड टाइम मारा था कलर, उस कलर को थोड़ा
इसके ऊपर ऐसा लेते कि जो व्हाइट को थोड़ा कम करेंगे। पूरा जगह पर एक बार ऊपर से सिंगार लो तो व्हाइट पता नहीं चलता है, व्हाइट अंदर में या व्हाइट बाहर है, ग्रे अंदर है, क्या कुछ भी नहीं पता चलता है आखिर ये डिजाइन कैसे बना। इसके लिए मैं बोलता हूँ हमारे वीडियो भगा के मत देखो, एक बार ध्यान से देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। एक बार में नहीं आया और एक बार देख लो, इसमें कुछ नुकसान होने की बात नहीं है। आपको इतना अच्छा शानदार आइडिया कोई भी नहीं दे सकता है। अभी अभी इस डिज़ाइन में कैसा लग रहा है, इसमें कुछ अंदर है कुछ बाहर है, जो वाइट किधर है कैसे आया किसी को भी नहीं पता चलता है। हमारा वीडियो आपको और मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, मानता हूँ समझ इस जो मैं आइडिया दे रहा हूँ वो आइडिया आपको मिल रहा है 100% मिल रहा है। इसके लिए बोलता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर लाइक कमेंट और बेल आइकन दबा दो, आपको हमारा हर वीडियो आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही।